आपने रॉकेट को टीवी पर या समाचारों में देखा होगा, तो आपको लगता होगा सवाल ये है कि रॉकेट पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाता है और अंतरिक्ष से फिर कैसे पृथ्वी पर वापस आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में कैसे जाता है और वहाँ से फिर से कैसे वापस आता है। आपको पहले बता दें कि अंतरिक्ष यात्री इस यान को इस्तेमाल अंतरिक्ष में जाने के लिए करते हैं, इसे अंतरिक्ष यान कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अंतरिक्ष से रॉकेट वापस धरती पर आते हैं, तो यह पूरी तरह से गलत जानकारी होगी, क्योंकि रॉकेट और अंतरिक्ष यान दो अलग अलग चीज़ें हैं। रॉकेट एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी अंतरिक्ष यान और उपग्रह को अंतरिक्ष में जाने में मदद करने के लिए न्यूटन के गति के तीसरे नियमों का उपयोग करती है। दूसरी ओर स्पेसक्राफ्ट यान वो चीज़ है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बैठ के स्पेस में जाते हैं। आइए जानें इन दो तरीकों के बारे में। पहली तरीका, ये किसी भी रोबोट और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की उपयोग करती है और ये रोबोट और सैटेलाइट अंतरिक्ष से अपने आप ऑटोमेटिक काम करते हैं और उन्हें धरती पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि रोबोट और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए केवल रॉकेट का उपयोग किया जाता है। इन रॉकेटों में उनके शरीर से जुड़े कुछ और बूस्टर रॉकेट लगे रहता है, जो रॉकेटों को धरती से बाहर निकालने में काफ़ी मदद करते हैं। ये रॉकेट पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल को भेद कर पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे रॉकेट से जुड़े अन्य सभी रॉकेट और बाकी सब कुछ खुल जाते हैं और अंत में सैटेलाइट ही रहते हैं, जो बाद में स्पेस में ही रहते हैं। ये रॉकेट अंतरिक्ष में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी ये रॉकेट कभी वापस धरती पर नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ महीना पहले एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का मालिक एलन मस्क उसका कंपनी में रियूजेबल रॉकेट तैयार कर चुका है। वो रॉकेट 3 से 4 महीना बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं दूसरा तरीका। आपको बता दें कि इस तरीके से लोग अंतरिक्ष यान में बैठ के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष यान का उपयोग लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष यान एक हवाई जहाज की तरह दिखते हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और सोने की सीट भी दिए जाते हैं और इस अंतरिक्ष यान के सामने कंट्रोल सिस्टम दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित करते हैं। और इसे 2 बूस्टर इंजन और 1 मेन इंजन के साथ जुड़ा गया है। बूस्टर रॉकेट पृथ्वी से अंतरिक्ष यान को ऊपर उठाने में मदद करते हैं और जब भी इसका ऑयल खत्म हो जाते हैं, तब मेन रॉकेट से सब अलग हो जाते हैं। जब अंतरिक्ष में सभी अंतरिक्ष यात्रियों का रिसर्च खत्म हो जाता है, तब पृथ्वी पर लौटने का समय आता है। तो आइए जान लेते हैं अंतरिक्ष यान वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। ये आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है। जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसका सामना हिस्सा नीचा क्यों नहीं रहता है, बल्कि ऊंचा रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यह पृथ्वी पर सामने की ओर उतरता है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते ही आग लग जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यान के निचले हिस्से में थर्मल इंसुलेशन लगाया जाता है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के जितना करीब आता है, पृथ्वी के समांतरार उतना ही अधिक होता जाता है। फिर एक हवाई जहाज की तरह ये धीरे धीरे रनवे पर उतरता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यान रनवे पर उतरता है, तो उसमें बहुत स्पीड रहता है और जिसके लिए उसके पीछे से पैराशूट जैसा निकलता है, जो स्पीड को कम करता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ बीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।